अभी हम नकी लेक जा रहे हैं एज यूजुअल माय ट्रैवल बडी माय ब्रदर गुड मॉर्निंग हम लोग नकी लेक जा रहे हैं एंड आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं बट आई हैव हर्ड दैट नकी लेक इज़ नॉट वेरी वेरी क्लीन एंड हाइजीनिक एंड आई एम गोइंग टू बी शूटिंग वीडियोज ऑफ दैट क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भारत के अंदर गंदगी बढ़े वी नीड टू डू समथिंग अबाउट स्वच्छ भारत अभियान हम बोट में अभी जा रहे हैं हम क्या देखने वाले हैं दिलीप जी चलो आप भी आप कुछ बोल दो नक्की देख रहे हैं हम यहाँ पे नक्की के अंदर बोटिंग कर रहे हैं और अभी आगे महादेव भगवान का मंदिर है जो पहाड़ के बीच में सेंटर में वहाँ दर्शन करने वाले हैं अभी वेरी गुड और ये जो पहाड़ रसिया बालम सर सही रसिया बालम ने एक उंगली से पूरा खोदा था नाखून से ही अपने तो हम अभी जैसे आपको दिलीप जी ने बताया हम जा रहे हैं नकी लेक के अंदर दिस इज द व्यू फ्रॉम बिहाइंड आप कौन है सर मैं बीजेपी यूथ प्रेसिडेंट हूँ लास्ट सिक्स इयर्स से यस ये तो राजनीतिक ट्रिप हो गया आप कौन है सर मैं नगर पालिका पार्षद हूँ माउंट आबू से ओके जी ये व्यू दिख रहा है भी पॉइंट है ना सामने वाला वहां का प्लान चल रहा है डेट ट्रैकिंग के लिए कल चल सकते हैं मैं रेस्टेड हूँ प्रॉपर्ली जी बोलिए तो ये जो अंदर मंदिर है ना हाँ जी इसको किसी ने बैठाया नहीं ये प्राकृतिक शंकर भगवान का मंदिर है okay. अब ये हो सकता है इसकी वजह दिलीप भाई हो इसकी वजह हम हो okay. जो आपको वहाँ तक ले जा रहे हैं लेकिन ये डायरेक्ट भोलेनाथ का कलेक्शन है माउंट आबू इट्स सेकंड हाईएस्ट सिटी इन इंडिया जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अराइवल करता है okay. तो यहाँ पर लाखों लोग आते और चले जाते हैं लेकिन किसी को उस मंदिर का महत्व ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है okay. तो यहाँ पर बड़े से बड़ा व्यक्ति और छोटे से छोटा व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि भोलेनाथ जी से जिसने भी दिल से विश मांगी आज तक भोलेनाथ जी ने उसको खाली नहीं रखा खाली नहीं वेरी गुड संग्राम तुमको कुछ अच्छी बातें बोलनी है कि ऐसे ही देखिए हर पल अच्छा है हर टाइम अच्छा है जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है और जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा वेरी गुड बस क्या है कि और मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि भैया जितने भी मेरे दोस्त हैं क्योंकि दोस्ती से सही मायने में धन होता है सबको धनतेरस की शुभकामनाएं जितने मेरे सोने के सिक्के हैं सबको धनतेरस की शुभकामनाएं और अभी हम लेक में है नक्की लेक में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक भारत माँ नमन स्थल भी है इसके बाद हम देखेंगे उसको वो स्टैचू है वन उपदा सबसे बड़ा और अभी मंदिर में जा रहे हैं और जैसे कि बताया हमें प्रेजिडेंट साहब ने बताया पार्षद जी थोड़े से नॉर्मल है खामोश आज तो अब जाके देखते हैं वो है महादेव का मंदिर एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट आप देख सकते हैं Sagram is trying rowing this thing. Please be a little bit careful. Please be a little careful. आ जाएगा पांच सात में. बिल्कुल. अंजाम से बता चलेगा. अब आपसे बता दूँगा कि अंजाम बहुत अच्छा होगा. ये
रोइंग ट्राई कर रहा है संग्राम यहाँ पर। ये संग्राम को टीच किया जा रहा है कि रो कैसे करते हैं। पहलवान हैज टू अंडरस्टैंड हाउ टू रो अ बोट। तो अभी हम ऑब्वियसली आप देख रहे हैं द लोकेशन, यू कैन सी संग्राम इज ट्राइंग टू रो इन द बैकग्राउंड, कोशिश कर रहा है। मैं नहीं कोशिश करूँगी, आई डोंट थिंक दैट्स माई कप ऑफ टी। मैं वीडियोज़ में ही ठीक हूँ। शोइंग द नेचर ऑफ इंडिया, द नेचर इन इंडिया, ट्राइंग टू शो द वेरियस टूरिस्ट प्लेसेस, आई थिंक मैं उसी में ठीक हूँ। हम भारत का तिरंगा देख सकते हैं। एंड दिलीप जी, आप कुछ कहना है इसके बारे में? सर नक्का कितने फुट है? जी सर, ये राजस्थान की हाईएस्ट पिक पे है और मतलब पूरे राजस्थान में सबसे ऊंचा तिरंगा यही है। ठीक है, हम लोग पहुंच गए हैं जो महादेव मंदिर। हम लोग महादेव जी के मंदिर पे पहुंच गए हैं। घंटी बजाते हैं अभी। महादेव जी का मंदिर है नदी लेक के बीच में। महादेव जी का मंदिर आप देख सकते हैं, हम पहुंच गए हैं। हम घंटी बजाने का प्रयास करेंगे। पास में ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, झुको मत वरना बोट गिरेगी। संग्राम काम डाउन। हर हर महादेव। आराम से एक मिनट ले रहे हैं संग्राम, बहुत बात ले रहे हैं। डोंट गेट ओवर एक्साइटेड संग्राम। आ गए मार दूं। हां मार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नाउ यू कैन कम हियर। ये पूरा स्टोन आया नीचे से? हाँ, ये अपने आप निकला हुआ होता है। ये जो ये ये सब चीजें है ना, ये कुछ हम लोगों ने मतलब हम लोग कह गए या फिर जो यहाँ का स्टाफ है उन लोगों ने लगाई, लेकिन यहाँ पर जब सबसे पहले कुछ छोटी सी मूर्ति मिली थी वो उस तरफ मैं आपको दिखा दूंगा, उसके ऊपर फिर एक दूसरी मूर्ति बैठा दी। पर फ्री हो गया आप? ये सब जो माउंट जो डिप्टी बढ़िया आपने कैसे शुरुआत की? सर मेरी उम्र रही होगी 5 साल, तब मैं इसी नक्की लेक में पॉपकॉर्न बेचता था। वहाँ से लेकर अभी तक के सफर में मेरे पास टोटल 9 लड़के हैं जो वर्किंग पार्टनर्स में मेरे साथ काम कर रहे हैं। मेरे खुद की 2-4 फर्म्स हैं जिसका एक का नाम है पालनहार फोटो स्टूडियो, एक का नाम है पालनहार बाइक रेंटल जिसमें लेटेस्ट मॉडल की बुलेट, लेटेस्ट मॉडल की एक्टिवा, और तीसरा मैं रियल स्टेट का काम करता हूँ, छोटी मोटी प्रॉपर्टीज जो माउंट आबू में लेन देन का। चौथा मैं लगातार मैं पहला लड़का हूँ इस माउंट की राजनीति का जो कंटिन्यू 6 साल से बीजेपी यूथ प्रेसिडेंट बना हुआ है, जो सत्ता में सरकार थी जब से, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज से मैंने अपनी राजनीति का चुनाव का सफर तय किया था। आपकी जिंदगी में कोई एक चीज जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो? एक छोटी सी कहानी सुनी थी मैंने, उस कहानी ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। उस कहानी में यह था कि एक जंगल में बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी, एक चिड़िया पानी डाल रही थी, तो हाथी और जो बड़े बड़े जानवर थे उन्होंने कहा कि तुम्हारी चोंच में इतना सा पानी आ रहा, आग इतनी बड़ी है। तो उसने कहा था
कि जब भी इस आग बुझाने के संघर्ष को लिखा जाएगा तो उस कहानी में चिड़िया का भी नाम लिखा जाएगा। मुझे नहीं पता कल मेरा रणनीतिक भविष्य क्या होगा कि चिड़िया का नाम ये लिखा जाएगा कि भैया मेरी आग बुझाने वालों में से प्रयास से ना कि आग लगाने वालों में से। दो वो कहानी जी वेरी गुड। अच्छा मंगल जी आप बताइए, आप पार्षद बन गए तो आपने अपनी शुरुआत कैसे कहाँ से की? मैं 2012 में एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यालय परिषद फर्स्ट प्रेसिडेंट उस समय मैं रहा था ग्यारह महाविद्यालय से। उसके बाद 8 साल बाद का ये लगातार मेरा राजनीति जारी रही और अभी मैंने 1 साल मेरा पूरा हुआ है, अभी पार्षद बने में 1 साल पहले पार्षद बना हूँ और ये मेरे राजनीति गुरु यही है। इनको पार्षद में कहीं ना कहीं जिताने में मतलब इनका बहुत बड़ा योगदान है। मतलब 2012 से लेके अभी तक का जो मेरा राजनीति का सफर रहा वो सबसे ज्यादा सबसे कम उम्र के पार्षद है और मैं पूरे माउंट में सबसे नगर पालिका में सबसे कम उम्र का पार्षद नहीं हूँ। मुझे लग रहा है भैया सबसे कम उम्र के मिनिस्टर भी हो गया। तो आपका आशीर्वाद रहेगा। चलिए आदरित जी आप तो इतने से यहाँ पे गांव से आपने अपनी शुरुआत कैसे की? जी मैंने शुरुआत की थी भाई कम उम्र में, मैं 9th class में ही घर से भाग गया था, मुंबई के लिए आ गया था क्योंकि सपने मुंबई की तरफ खींच के ले जा रहे थे बॉलीवुड में। वहाँ गया फिर सब लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से हो, एक मैं छोटे शहर से था सिरोही से जिसे कोई नहीं बहुत कम लोग जानते थे, माउंट आबू लाइक टूरिस्ट प्लेस है उसे हर कोई जानता है। तो मैं मेरे नाम के पीछे दिलीप पटेल सिरोही लगाना चालू कर दिया था मैंने। फिर मैं बाइक राइड से अलग अलग जगह पे बाइक राइड से गया, भारत भूटान नेपाल कई देशों में मैंने बाइक से यात्रा की जिसके नाम मेरे नाम पे 34,000 किलोमीटर मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करवाया। पिछले साल काला पत्थर पे भी गया, वहाँ पे माउंट और सिरोही का फ्लैग लहरा के आया और इन सब भाइयों की बदौलत से और यहाँ की सरकार ने मुझे माउंट आबू का ब्रांड प्रमोटर बनाया है तो अभी यहाँ पे मैं इको टूरिज्म के प्रति बढ़ावा देने में मदद कर रहा हूँ। जी मजबूर नहीं लेकिन ये था कि मेरे शहर को कोई नहीं जानता था, बहुत कम लोग था, सिरोही का इतिहास बहुत पावरफुल है और एक छोटा शहर है तो मेरा ये हमेशा था कि मेरे शहर को हर कोई जाने। तो सबसे पहले मैंने खुद से शुरुआत की, दिलीप पटेल नाम है लेकिन मैंने दिलीप पटेल सिरोही लगाया क्योंकि लोग माँ बाप का नाम पीछे लगाते, मैंने मेरे शहर का नाम लगाया पीछे क्योंकि सबसे बड़े तो वही है मेरे लिए, बस वहीं से मुझे कल्पना मिली थी। वेरी गुड। ये MP MLA के बंगलोज हैं, अपेरेंटली प्राइम लोकेशन है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है तो आप समझ सकते हैं क्या लोकेशन है। 3.5 करोड़ वही 5 साल में तो वसूल हो जाएगी। अपना इंडिया भी इनक्रेडिबल है ना, इनक्रेडिबल इंडिया का हिस्सा माउंट आबू नक्की लेक और ऑब्वियसली हम सब इस पे ज़्यादा बातचीत नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि ये सब चीज़ें घर की मुर्गी दाल बराबर है। बट वी नीड टू विजिट places which are there in India because I presume India has a lot of places जो बहुत सारे Indians ने नहीं देखी होगी। हम भारत माता नमन स्थल को क्रॉस कर रहे हैं और इसके ऊपर हमें कुछ बताएंगे। बताइए ये क्या है? ये सबसे बड़ा स्टेचू है राजस्थान का, भारत माता के नमन स्थल का और ये बिल्कुल जो नकीले एक माउंट आबू का हार्ड है उसके अपोजिट है। ओके तो हम लोग अभी वापस किनारे पर आ गए हैं एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल ड्राइव एंड आई रियली रियली होप कि आप सब भी नक्की लेक विजिट करें एंड यहाँ पर महादेव जी के मंदिर पर जाकर आशीर्वाद लें क्योंकि हर हर महादेव। नमस्ते।